बहुत सारी ग्रहों की स्थितियां ऐसी होती हैं कि हमें जीवन में अच्छे मित्र मिल जाते हैं और ये जीवन में हमारा साथ निभाते हैं। कुंडली में अगर आपके चंद्रमा अच्छा है, वेल प्लेस्ड है, तो आपको जीवन में अच्छे मित्र, अच्छे सपोर्टर हमेशा मिलते रहेंगे। अगर कुंडली में एकादश भाव और उसका स्वामी अच्छा है, तो ऐसी स्थिति में भी जीवन में अच्छे मित्र मिल जाते हैं। सप्तम भाव अगर अच्छा हो तो भी जीवन में अच्छे सहयोगी मिलते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि अच्छे मित्र हों, लेकिन साथ में काम करने वाले, सपोर्टर्स, सहयोगी, ये आपके लिए अच्छे बने रहते हैं। अगर कुंडली में बृहस्पति मजबूत है तो आपके अंदर से शुभता पैदा होती है, आपके अंदर से पॉजिटिविटी पैदा होती है, तो ऐसी स्थिति में भी पॉजिटिव लोग आपकी तरफ आते हैं और एक अच्छी मित्रता जीवन में बनती है। अगर कुंडली में शुक्र अच्छा हो तो व्यक्ति के बहुत सारे जानने वाले होते हैं, मित्र नहीं, जानने वाले, ऐसे लोग बड़े पॉपुलर होते हैं और ऐसे लोगों को बहुत सारे लोग जानते हैं, ये संभावना जीवन में जरूर होती है। तो तीन संभावना होती है, एक तो आपको अच्छे मित्र मिल गए, दूसरा आपके जीवन में सपोर्टर्स बहुत हैं, सहयोगी बहुत हैं, और तीसरा एक स्थिति ये है कि आपको बहुत सारे लोग जानते हों, और तीनों ही स्थितियां शुभ ग्रहों से बनती हैं जो जीवन में फायदा पहुंचा देती हैं। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि मेरा तो कोई मित्र ही नहीं है, मेरे प्रयास करने पर भी अच्छे मित्र बन नहीं पा रहे हैं। तो अच्छे मित्र जीवन में मिले, अच्छी दोस्ती जीवन में मिले, इसके लिए क्या करें? अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक रखिए। आपके जैसे विचार होंगे, आपके मन में जैसे विचार चलेंगे, उसी तरह के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे। तो अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक रखिए। बहुत ज्यादा गणनाओं का प्रयास मत करिए। कैलकुलेटिव मित्रता नहीं होती, कैलकुलेटिव स्वार्थ के संबंध होते हैं। तो मित्रता रखने से आपको कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये सब कैलकुलेशन मत करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर, और नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करिए। कृष्ण जैसा मित्र बड़ा दुर्लभ है, चाहे सुदामा की मित्रता हो कृष्ण के साथ, उद्धव की मित्रता हो, अर्जुन की मित्रता हो, हर मित्र के स्वरूप में कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिए अच्छी मित्रता मिले, अच्छे दोस्त मिले जो जीवन को आगे बढ़ा सके, इसके लिए भगवान कृष्ण की उपासना करना उत्तम होगा। देखिए, राहु का प्रभाव कुंडली पर जितना ज्यादा होगा, धोखा, फरेब, छल, ये सब मिलने की संभावना जीवन में ज्यादा हो जाती है। अगर राहु का प्रभाव जीवन पर ज्यादा है, दोस्ती करने में, संबंध बनाने में हमेशा अलर्ट रहिए, हमेशा सावधान रहिए। और अगर ऐसे कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में हैं, तो नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़ते रहिए। दोस्ती में मिलने वाले, होने वाले किसी भी धोखे से सुरक्षित रहेंगे।
एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।